उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 17 दिन तक मजदूरों ने टनल के अंदर जो जंग लड़ी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत, देशवासियों की दुआएं और मजदूरों के हौसले के आगे पहाड़ को भी टूटना पड़ा। मजदूरों को बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था। 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक का सफर बहुत पेचीदा और नई नई चुनौतियों से भरा हुआ था। मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारी भारी मशीनें, अमेरिका की ऑगर ड्रिलिंग मशीन और तमाम तकनीक का उपयोग किया गया, लेकिन सब एक एक करके कहीं न कहीं कामयाबी के आखिरी पड़ाव तक साथ नहीं निभा पाए। उम्मीदों के साथ आई ऑगर मशीन के ब्लेड भी बीच में ही टूटकर फंस गए। जब हौसला टूटने लगा तब पहाड़ का सीना चीरने के लिए रैट माइनर्स को बुलाया गया। रैट माइनर्स ने हाथ से खुदाई की और मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये रैट माइनर्स ही हैं जिनकी मदद से आज सभी मजदूर सुरक्षित अपने परिवार के बीच हंस खेल रहे हैं। चलिए अब आपको रैट होल माइनर्स के बारे में बताते हैं। नाम से ही साफ है कि रैट होल माइनर्स यानी चूहे की तरह जमीन की खुदाई करने वाले वो खास मजदूर जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। बता दें कि देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में ही रैट होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब मामला फंसता नजर आया तो इन्हीं जाबाजों की मदद से मजदूरों को बाहर भी निकाला गया। अलग अलग एजेंसियों की मदद से देश के अलग अलग हिस्से से रैट होल माइनर्स की एक टीम मौके पर बुलाई गई और उन्हें काम पर लगाया गया। उन्होंने इस काम के बदले सुरंग का निर्माण करवा रही नवयुग कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए। आमतौर पर ये रैट माइनर्स कोयले की खदानों में खनन करते हैं। रैट माइनर्स अपने हाथों में छोटे फावड़े और हथौड़े लेकर हाथ से खुदाई करते हैं। इसके साथ ही बाहर आ रहे मलबे को ये छोटे तसले या ट्रॉली के जरिए बाहर निकालते रहते हैं। अगर छोटे फावड़े या हथौड़े से बात ना बने तो रैट माइनर्स ड्रिलिंग मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। रैट होल माइनिंग करने में खुदाई से मिट्टी गिरने का खतरा होता है, जिसके चलते रैट होल माइनिंग को खतरनाक माना जाता है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2014 में ही इस पर रोक लगा दी थी। बता दें कि ऑगर मशीन टूटने की वजह से रेस्क्यू के काम को झटका लगा था। मशीन भले टूट गई थी, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि ऑगर मशीन ने इतने दिनों में मलबे का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था, वरना रैट माइनर्स को मैनुअली ड्रिल करने में काफी ज्यादा समय लग जाता। सभी मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने पर देश भर में लोगों ने चैन की सांस ली। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने मजदूरों को 1-1 लाख रुपए और जिन लोगों ने सुरंग खुदाई में काम किया है उन्हें 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। बाहर आए मजदूरों पर डॉक्टरों ने कहा है कि मजदूर किसी भी तरह के मानसिक तनाव में नहीं है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद मजदूरों को उनके घर वापस भेजा जाना है।